नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फिरोजाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग टुंडला पर संचारी रोग नियंत्रण को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों और क्षेत्रीय जनता को संचारी रोग नियंत्रण करने को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान सामान्य रोगों की रोकथाम करने को लेकर जानकारी दी गई। सभी आशाओं को बताया गया किस तरह से सभी लोगों को रहना है और बचाव करना है। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। आशा और जो आंगनबाड़ी है, किस विषय में चल रही है बताइए आप। सर, ये हमने सभी गांव की आशाओं को यहाँ बुला रखा है, क्योंकि आशाएं हमारी जो ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है संचारी और दस्तक, उसमें मोटा मोटा आशाओं का जो कार्य रहता है वो ये रहता है कि आशाएं हमारी घर घर जाकर लोगों को दस्तक देंगी, उनसे बातचीत करेंगी कि उनके घरों में कूलर गमले ये चीज़ चेक करेंगी, फ्रिज की क्रेट वगैरह जाके चेक करेंगी कि वो लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई बीमारी हो जाती है, मान लीजिए ये मलेरिया या मलेरिया या डेंगू, तो उसकी स्लाइड बनाती है हमारी आशा। तो घर घर जाके जो IPC का प्रोग्राम करेंगी वो हमारी आशाएं कैसे करेंगी, उसको कैसे कारगर बनाना है, उसके सिलसिले में हमने सभी आशाओं को यहाँ बुला रखा है कि उनको काम और बेहतर करने के लिए क्या क्या और गतिविधियाँ करनी है। तो इसमें किसकी बीमारी के बारे में बताया जाएगा? इसमें ज़्यादातर मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, हैजा, इस बीमारी के बारे में आशाएं घर घर जाके बात करेंगी। तो कहाँ की जी आशा आई है इस मीटिंग में? इस मीटिंग में हमारे यहाँ 3 सब सेंटर की आशाएं हमने बुलाई हैं, जैसे कि आपका मान लो चोखरा है और बासदा है, चोखरा है, धीरपुरा है और आपका गड़ी भट्टी। ये 3 सब सेंटर की आशाएं और संगनी मौजूद हैं यहाँ।